मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासियों के आगमन के कारण बाड़मेर समेत 11 जिलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन जिलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किए हैं। बाड़मेर जिले में वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश को प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुरुवार को प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में आ रहे प्रवासियों की सूची, क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थितियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे सैंपल की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। बाड़मेर जिले के कोविड प्रभारी तथा कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक अपनाई गई रणनीति एवं उपायों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला कोविड प्रभारी IAS डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन की कड़ाई से पालना करवाई जाए ताकि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाया जा सके। डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि अगले 14 दिन जिले के अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूर्ण सतर्कता एवं सजगता के साथ धरातल पर कार्य किया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले सभी प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन में ही रखने को कहा। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को माइक्रो मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ाई से पेश किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर उसके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाए ताकि उसे इस बात की जानकारी मिल सके कि प्रशासन सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। कोविड प्रभारी ने कहा कि अब जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्होंने आने वाले प्रवासियों को 100% सैंपल लेने की निर्देश देते हुए कहा कि जिले में टेस्टिंग क्षमता का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। उन्होंने 100% प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलेक्टर विश्रा मीणा ने जिले में अब तक किए गए वायरस रोकथाम के उपायों की बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में आने वाले सभी प्रवासियों की सूक्ष्म मॉनिटरिंग की जा रही है तथा प्रत्येक आगंतुक पर सूक्ष्म नजर है। सभी को निर्धारित समय पर क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। संदिग्ध प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखकर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित पाए जाए क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई के साथ साथ घर घर सर्वे सैंपल लेकर कोरोना का प्रसार रोका जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर ने जिले में अब तक 50,000 प्रवासियों की भी आने की जानकारी दी। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन नारत्नु, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के गोयल, उप निदेशक कृषि JR बाकर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मंसूरिया, जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर मौजूद रही।